चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट चल रहा था बेटा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मैंने आपको करा रहा था, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। क्योंकि जो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है थियोरिटिकल, ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और जो क्यू की वैल्यू होती है वो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम या 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये क्यू की वैल्यू। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकली, तो हम मान कर चलेंगे कि 100% आयनिक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो 100% आयनिक मान के हम ये कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना? क्यू की वैल्यू क्या रखी है हमने? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखी है। मान ली ये है ए बी, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही मान लिया। तो जो कैलकुलेट करेंगे वो क्यू इंटू डी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? देखो अब इसमें आपको ध्यान रखना, यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं रखा इसके अंदर, आपको ध्यान रहेगा ना, ये यूनिट कन्वर्जन। और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हुई तो आराम से क्वेश्चन आपका होगा। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डिबाई, ठीक है? अब ध्यान रखना, 1 डिबाई इज इक्व टू 1 × 10 की पावर माइनस 18 ESU। नोट करो, 1 × 10 की पावर माइनस 18 ESU, लिख लिया 1 डिबाई। यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है ना, 1 डिबाई इज इक्वल टू 1 × 10 की पावर माइनस 18 ESU, है ना? और Q की वैल्यू आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है? और कूलम मीटर में 1 डिवाइज इक्व टू, कूलम मीटर में ध्यान रखना 3.33 × 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर, ये भी ध्यान रखो, कूलम मीटर नोट करो, याद रखना है। क्वेश्चन लिखो, हाँ ठीक है, लिखो। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, क्वेश्चन लिखो, ये बुकलेट का ही है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल इज गिवन है बेटा 1.48 डिबाई। ये डाइपोल मोमेंट जो गिवन है, ये होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, है ना, जो गिवन होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डाइपोल, कैलकुलेट लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल ये एनएच बॉन्ड का दे रखा है वैसे ना, अमोनिया मॉलिक्यूल में एनएच बॉन्ड का, ध्यान रखना। तो डाइपोल मोमेंट 1.48 डिवाई गिवन है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ डाइपोल, जल्दी फाइंड करो, 0.028, ठीक है? कर लोगे ना, देखो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है और डी निकालना है, ठीक है? हाँ ठीक है, 0.308, ठीक है, 0.0308 नैनोमीटर है, आंसर दे रखा है 0.0308 नैनोमीटर, हाँ 0.0308 नैनोमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ये म्यूजिकल टू क्यू इंटू डी, क्यू की वैल्यू आप अगर कूलम में रखोगे तो कितना रखोगे, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, है ना? डी आपको निकालना है और म्यू गिवन है 1.48 डिवाई, इसको कूलम मीटर में ले लो, 1.48 × डिवाई को कंप्लीट करो कूलम मीटर में, कन्वर्ट करोगे 3.33 × 10 की पावर माइनस 30,
यहाँ डी आएगा मीटर में, मीटर को नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 0.0308 नैनोमीटर, 0.0308। इसके दो तीन क्वेश्चन मैंने रखे हैं, कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक रिएक्टर निकालना हो तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो आपको गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वैसे तो कोई बॉन्ड नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि बॉन्ड नहीं होता, ये तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज नॉट द एक्चुअल बॉन्ड, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है, और वीक बॉन्ड में कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, वीक बॉन्ड में कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है कोवेलेंट बॉन्ड से, बाकी और बॉन्ड से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है भाई, क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं होगा, है ना। तो लिख लो जरा शॉर्ट में करते जाओ, 11th में तो हो नहीं कि आपको सारी चीजें लिखाऊंगा मैं। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो जरा, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली कंडीशन क्या है बेटा, कम से कम एक हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, और वो किससे अटैच हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन must be attached with electronegative atom। और जनरली क्या होना चाहिए, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली क्या होना चाहिए, फोन, है ना, FON, जनरली बोल रहा हूं मैं इसको, है ना, ऑलवेज नहीं बोल रहा, ध्यान रखना ना एक एक स्टेटमेंट का। जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका मतलब है, और भी एक्सेप्शन होंगे जिनमें हाइड्रोजन इनके अलावा भी कहीं अटैच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है ना, वो देखेंगे आगे लेक्चर में आज ही। तो कम से कम कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से किसी से भी। दूसरा, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके साथ अट्रैक्शन होगा इस हाइड्रोजन का, स्मॉल इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम मस्ट बी प्रेजेंट, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है ना। जैसे ये है, देखो ये ए से हाइड्रोजन अटैच है, तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ए पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और इसका अट्रैक्शन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इससे अट्रैक्शन होगा, है ना। जैसे ही है देखो, ओ एच, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, दूसरे OH से इसका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ लेता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए और यहां पर नेगेटिव ज्यादा हो जिससे ये अटैच हो रहा है, या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज हो सके, है ना। एक दो एग्जांपल है, तुम्हें कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर कर दूंगा मैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज हो सके, है ना, ये जरूरी है, लिख लो। यहाँ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा
अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा एटम से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, अगर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा पोलराइज होता है ना। नोट करो जरा एक बार, जैसे ये है देखो, हम बात करते हैं एच एफ, ये ओ एच, एन एच है ना। एक हाइपोथेटिकल से ले लिया हमने, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होगा ये बताओ पहले। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो भी इस बात है फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा ना, हमने पढ़ा हुआ है अभी, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एफ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा है ना, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो एफ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा, ये सबको मालूम है, सबने फर्स्ट बता दिया है ना। अब इसके अलावा एक और बताओ मुझे जरा, है देखो कोई बॉन्ड तो है नहीं, अट्रैक्शन ही है भाई यहाँ पार्शियल, ये मैंने गलत बना दिया आपको, ये एफ एच है ना और ये एफ और एच, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो सबने फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया। अब दूसरा एग्जांपल बताओ मुझे, है ना, बुकलेट का ही एग्जांपल है, ये दे रखा है देखो ओ एच, ओ एच इसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ओ एच की ओर, ये एन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है पहला, ये एच और यहां पर एन है, ध्यान रखो ठीक है। इसके बाद दूसरा है ओ एच और ओ के साथ सेकेंड, सोच समझ के जवाब देना है ना, पहला ओ एच, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और नाइट्रोजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा होगा, अभी पूरा बताने दो। थर्ड थर्ड है एन एच, अब एन से अटैच है हाइड्रोजन इसमें, ठीक है, और दूसरा एन से ही, एन से ही है ना। फोर्थ एन एच और ओ से, अब सोच समझ के बताओ, देखो यहां से ओ से अटैच है, ओ से अटैच है, एन से अटैच है, एन से अटैच है, तो ऑर्डर क्या होगा, देखो बेटा इन दोनों में एक बार देखो, यहां पर ओ से अटैच हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव तो सेम होगा ठीक है। अब यहां पर एन है, यहां पर ओ है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इन दोनों में फर्स्ट का ज्यादा, सारे लोग ये लिख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यही ऑर्डर होगा, बिल्कुल सही है ना। अब मैंने आपको बताया था देखो, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज सेम है, पर एन और ओ में एम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली पोलराइज होगा, ये पॉजिटिव इसको इजिली अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इससे ये बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा, कंफ्यूज मत होना ठीक है। अब इन दोनों में थर्ड में देखो, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बराबर है, इससे तो कम होगा, इन दोनों से कम होगा है ना, पहले हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज देख लो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एन के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा इनके कंपैरिजन में। अब एन और ओ में एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए ऑर्डर है बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, नोट करो दोबारा देखो, देखो पहले तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज देखो, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के केस में ज्यादा है ना, ओ से अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अभी पॉजिटिव चार्ज आ क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, जितना ज्यादा खींचेगा उतना पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव उतना ही ज्यादा होगा ठीक है ना। अब तो ये तो पहला तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यहाँ ज्यादा है, क्लियर है। अब हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करना है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण, देखो साइज तो दोनों का छोटा है क्योंकि पीरियड में आते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्लियर है, समझ में आया।
मुझे आप एक ये बात बताओ, जैसे ये है सी एच थ्री सी एच फोर ले लो, चलो सी एच फोर सी एच थ्री सी एल सी एच टू सी एल टू और सी एच सी एल थ्री, इनमें किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फोर्थ की होगी, है ना? क्योंकि देखो भाई, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नो डाउट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, अब एक सीएल आ गया तो सीएल क्या करेगा, सीएल कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना। अब कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो सीएल लगने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, है ना। यहाँ दो सीएल आ गए तो दोनों सीएल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सीएल ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन थोड़ा भूखा हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये ज्यादा ताकत से खींचेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, दो दो सीएल हो गए, यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी बढ़ गई, इतनी बढ़ जाती है कि सी एच सी एल थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। तुमने पढ़ा भी है सॉल्यूशन में, सी एच सी एल थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है किससे, एसीटोन से, सुना है? देखो ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में तुमने पढ़ा होगा। अब हम तो क्या पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग उन्हीं के बराबर होगी, किसने बराबर कर दी, तीनों सीएल ने, ये तीनों सीएल इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देंगे, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हो जाएगी कि ये सफिशियंट पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर इंड्यूस कर सके, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। क्लियर बात है? तुम्हें याद भी होगा, तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या जहां भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब इनको मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना, याद होगा। तो देखो करा क्यों, अब बात क्या होगी, जो मैंने लिखाया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर जनरली, है ना। देखो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, क्लियर है। अब तुम्हें ध्यान रखना, देखो यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा लो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यहां भी जो एटम होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, छोटा एटम होना चाहिए, स्मॉल। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल, या कौन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाओ, आसान आसान से एग्जाम्पल। पहला HF, दूसरा H2O, तीसरा NH3, चौथा CH3OCH3, पांचवा CH3COCH3, छठा क्राउन ईथर, सातवां फिनोल, आठ OCH3, नौ NH3+, दस CH3CO NH2। देखो HF तो करता ही है सो, है ना, H2 भी करता है, अमोनिया भी, है ना, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बात कर रहा हूँ मैं, HF अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये भी करेगा ये भी करेगा, फोर नहीं करेगा, ऑक्सीजन तो है पर इससे अटैच हाइड्रोजन नहीं है, है ना, फिफ्थ भी नहीं करेगा,
ऑक्सीजन तो है पर इससे अटैच हाइड्रोजन नहीं है, सिक्स भी नहीं करेगा, ये क्राउन ईथर बोलते हैं इसको, सेवन करेगा उससे अटैच हाइड्रोजन है, एट नहीं करेगा, नाइन करेगा एन से अटैच हाइड्रोजन है ना, और एन पे पॉजिटिव आ गया और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, इलेवन करेगा एन से अटैच हाइड्रोजन है, सॉरी टेन ये करेगा, सो इलेवन भी करेगा एन से अटैच हाइड्रोजन है, पर ट्वेल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, इजी है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा कर सकते हो। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मे एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मे एग्जिस्ट, है ना, पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिस्ट, पहला KHF2, दूसरा KHCl2, तीसरा KHBr2, चौथा KHI2, बताओ भाई कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या सारे एग्जिस्ट करेंगे, बोलते जाओ जल्दी, फर्स्ट है ना, देखो फर्स्ट ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फर्स्ट कैसे बना होगा, KF और HF को मिलाया होगा और एडक्ट बन गया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव तो आयनिक है और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF और F माइनस में, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ तो F माइनस है पूरा निगेटिव है और ये H है, एच बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हुआ है फ्लोरिन, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन KF और HF को मिलाते हैं तो ये एडक्ट बन जाता है, तो पूछ लेता है अगर KHF2 भी कैसे बन रहा है, KF और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है तब KHF2 मिल रहा है ना, KHF2 को फर्मी सॉल्ट बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करता है, बाकी इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता तो KCl और HCl में बॉन्ड, पर ClH से अटैच है इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं और इसका साइज बड़ा भी है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो सिर्फ कौन एग्जिस्ट करेगा KHF2, एप्लीकेशन हो गई है, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन और आया था IIT में पूछा गया था, हो सकता रिपीट हो जाए, कि अगर KHF2 को हम वाटर में डालते हैं, इफ KHF2 डिजॉल्व इन वाटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना, कौन कौन सी स्पीसीज सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी, है ना, बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, पहला K+ HF2-, दूसरा H+ प्लस F- प्लस K+ DK मतलब F2 F3- और H+ C और D none, तो सबने सही बताया हुआ है K+ और HF2-, है ना, क्योंकि देखो पानी में डालने पर आयनिक बॉन्ड स्प्लिट होगा K+ F- आयन, हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में डालने में स्प्लिट नहीं होगा, तो सॉल्यूशन में K+ और HF2- होगा, ध्यान रखना छोटी सी बातें, जब वाटर में डालते हो तो आयनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाता है, आयन्स अलग अलग हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सहमत हो इस बात से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटर और इंट्रा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह की इंटरमोलिक्यूलर, इसको बेटा एसोसिएशन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है इंट्रा मोलिक्यूलर, इसको चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन है ना, लिख लो, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
इंटरमोलिकुलर इसको एसोसिएशन भी बोलते हैं, और इंट्रामोलिकुलर इसको क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। देखो इंटरमोलिक्यूलर क्या होगी बेटा, अलग अलग मॉलिक्यूल में है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे है ना, जैसे एच एफ है एफ एच एफ एच एफ एच एफ एच एच एफ। देखो एक एच एफ मॉलिक्यूल, दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल, एच एफ मॉलिक्यूल, एच एफ मॉलिक्यूल, ये क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर। जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है ना, सेम टाइप का है लेकिन अलग, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। अब देखो मैंने एच एफ की शेप ऐसे बनाई है बेटा, जिग जैग, ये सॉलिड एच एफ है, ध्यान भी रखना है ना, आ जाता है एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार पूछा भी गया था कि इसमें से एच एफ की के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड एच एफ जिग जैग होता है, जिग जैग। अब ये ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था कि पहला ये, दूसरा ये कर दिया था एच एफ, पूछा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एचएफ सॉलिड एचएफ में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है ना। तो ध्यान रखना बेटा पहला वाला होगा, आगे कुछ भी बना दे, क्योंकि एफ जो है एंगुलर पोजीशन में लोगे, ये एफ यहाँ पर, एच तो सीधा आ जाएगा, एच में तो कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ ये एंगुलर पोजिशन पर है ना, ध्यान रखना, ये एच तो बीच में आ रहा है लीनियर, ये एंगुलर पोजिशन पर आ रहा है एफ, ये सॉलिड एच एफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखोगे ऐसे जिग जैग, एफ यहाँ पर आएगा है ना, एंगुलर पोजिशन, क्लियर है, ध्यान रखना है ना, जल्दी में गलती हो जाती है। एफ कहाँ लोगे आप, यहाँ पर एंगुलर पोजिशन में लॉन पेयर हो गए ना, एफ में एंगुलर पोजिशन पर, एच कहाँ रहेगा, सीधा रहेगा ये, ठीक है। चलो और देखो, तो क्या होता है बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो कई सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एनएच थ्री में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एनएच थ्री स्टेट, ये सॉलिड एनएच थ्री में ये लोन पेयर हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच, बना लो साथ साथ मेरे, पता तो तुम्हें होगा लेकिन उस समय ध्यान नहीं रहता है, एनएच थ्री में लीनियरली ऐसे होगी स्टेट एच एन, ऐसे होती है एच एन, ये सॉलिड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एन इसका एच, इसका एन इसका एच, ऐसे। और एच टू में कैसे होती है वो भी देख लो, एच टू में ऐसे, देखो आगे ही एक्सटेंड भी होता जाएगा, इधर भी एच टू में ऐसे, ये दो लोन पेयर है इस पर, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है जानते हो, ठीक है, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होंगे, और एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल और एच के एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा होगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, इधर ये, इस पे बड़े सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एच है ना, पार्शियल पॉजिटिव है लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है, या पार्शियल पॉजिटिव है लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो ना, ये 3D में अटैच है, 3D में, तो टोटल जो लोन पे टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने अटैच हो गए एक एच टू मॉलिक्यूल से, क्या बोलोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, चार है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चार होते हैं, और ये आइस में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, आइस में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे,
चार जो एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। चलो देखो भाई लिखो, लिख लिया। तो इसका जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाता है, टेट्राहेड्रल यूनिट होती है इसके अंदर। अब आप लिखो आगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये विस्कोसिटी को भी बढ़ा देती है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड का बढ़ जाएगा जिसके अंदर होगी, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है, एवरेज मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, विस्कोसिटी बढ़ती है, सरफेस टेंशन बढ़ती है, वेपर प्रेशर कम होता है। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। जो पोलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में ज्यादा होगी जिसके अंदर, फर्स्ट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है बेटा, भी मालूम चल जाएगा कैसे। बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड की ज्यादा होगी अगर ऐसे सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, HF, HCl, HBr और HI, इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, HF का। देखो होना तो किसका चाहिए, HI का होना चाहिए। HI का मॉलिकुलर मास क्या है, ज्यादा है, सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा होता है ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो किससे देखोगे, मॉलिकुलर मास से। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो किससे देखोगे, मॉलिकुलर मास से। तो HF के बाद क्या आएगा, HI के बाद क्या आएगा, HBr, फिर क्या आएगा, HCl, है ना। अगर पूछ लिया कि हाइड्रोजन हैलाइड में मैक्सिमम वेपर प्रेशर किस हैलाइड का होगा, HCl, हाइड्रोजन हैलाइड, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा, HCl का होगा, है ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। समझे ना, पहले किससे देखना है हमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसके बाद इन तीनों में क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो HI, फिर HBr, फिर HCl। ऐसे ही H2O, H2S, H2SE और H2T, बताओ जरा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका हो गया, H2O, सेम H2O, रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद फिर H2T, फिर H2SE, फिर H2S, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका हो गया, H2S का, क्योंकि H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है, ठीक है भाई। पहले तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, H2O में हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट H2O का सबसे ज्यादा। अब H2S, H2T और H2SE और H2TE, इनमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो किससे देखना, मॉलिकुलर मास। H2TE का मॉलिकुलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। देखो लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी है, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अमोनिया का ज्यादा होगा, पर केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन है ही। इसमें सबसे ज्यादा होता है बेटा BiH3 का, इसके बाद होता है SBH3 का, इन तीनों में NH3 का ज्यादा, इसके बाद ASH3 का, और सबसे कम PH3 का, लिख लेना, वैसे याद होगा, भूल गए होगे तो रिवाइज हो गया होगा। अब क्यों, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि BiH3 से ज्यादा हो जाए, BiH3 का मॉलिकुलर मास ज्यादा है। अब आप कहोगे अभी तो ज्यादा था, पर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है, NH3 में होती है पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखना, NCERT में फिगर भी बना रखा है, ग्राफ भी बना रखा है इसका, ठीक है, याद रहेगा। BiH3, SBC, H3, इन तीनों में NH3 का ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ,
CH3SH, CH3SOH, OH, CH3OCH3, ये ए पार्ट और बी पार्ट है ना, मिथेनॉल और ये डाइमिथाइल ईथर। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया? ए का, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलो एक ये क्वेश्चन बताओ, इसमें आपको बताना है विस्कोसिटी, ये CH2H, CH2H, ये है ग्लाइकोल, है ना, ध्यान रखना ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल है। दूसरा बी पार्ट, ये ग्लिसरॉल है, OH, CHOH, CH2H, ये क्या है, ग्लिसरॉल है। तो इसमें किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा विस्कस होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है? तो बी ग्रेटर देन ए, विस्कोसिटी बॉइलिंग पॉइंट बी का ज़्यादा होगा, ठीक है, विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी होगी, बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, CH4 और जिनोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ए का बी का? CH4 और जिनोन, बिल्कुल सही है, बी का ए से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है जिनोन का, है ना, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा। वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो वही एप्लीकेशन करते हैं, बाकी एप्लीकेशन अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम वाटर में डालते हैं तो किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, है ना, NH4+ आर NH3+ R2 NH+ NH2+ R3 NH+ हमने वाटर में डाला तो किसका सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा, किसका सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल किस पर ज़्यादा चिपकेगा, किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा? NH4+, बिल्कुल सही बात है ना बेटा, NH4+ में चार हाइड्रोजन है ना, चार हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अप्रोच करेगा, तो इसका सॉल्वेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, समझे। अब यहाँ RNH3+ है, इसका सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा, इसका सॉल्वेशन और भी कम होगा, इसका सॉल्वेशन सबसे कम होगा, ठीक है। आगे बेसिक रिएक्टर पढ़ेंगे तो आएगा इसका यूज़। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे इसका मतलब सॉल्वेशन उतना ही ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा हो रहा है, क्लियर बात है ना। यहाँ पर भाई एन पर पॉजिटिव चार चार हाइड्रोजन है तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अप्रोच करेंगे इसकी तरफ। यहाँ पर आर आ गया, वैसे बड़ा भी आ गया, थोड़ा रिपेल भी करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीन हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आर क्या रिपेल भी कर रहा है, दो दो आर आर आ गए, एच कम हो गए, तो सॉल्वेशन ज़्यादा किसका होगा, RNH4+ का होगा, क्लियर बात है, कोई कन्फ्यूजन इसमें, बोलो नहीं, ठीक है। चलो एक और बताओ जरा, इसमें किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, पहला सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल किसमें ज़्यादा अप्रोच करेगा, ए बी, बड़ा सोच समझ के बताना है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ, चलो बताओ जरा ए और बी किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, कौन बता पाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल का ए का, कोमल ए का, निकिता भी ए का बता रही है, सारे ए का बता रहे हैं, ए का रीजन बताओ, बिल्कुल सही है, ए का ही होगा, ए का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा बी से, रीजन ए का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, ए वाटर मॉलिक्यूल ए पर ज़्यादा अप्रोच करेंगे, sp2 नहीं है बेटा, sp3 है, भी sp3 है, भी sp3 है, क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बराबर ही है, अभी सेम है, अभी सेम है, हाइड्रोजन तो देखो ये CH3 तो है, सरफेस एरिया अनमोल, थोड़ा समय दो इस पर, सोचो एक बार अच्छे से, सर बी मोर, अच्छा ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज, गुड गायत्री, इसका क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, ठीक है बिल्कुल, इसका कॉम्पैक्ट साइज है बेटा, वैसे देखा जाए तो ये देखने में तो बड़ा लग रहा है, पर बड़ा ये होता है ना, ये तो ऐसे जिग 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 ऐसे, ये बड़ा होता है काफ़ी, इसका लार्ज साइज होता है, इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, एक दो का ही आंसर सही था।
कॉम्पैक्ट साइज ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसलिए साइक्लोहेक्सिनोल की सॉल्युबिलिटी वाटर में इस वाले से ज्यादा होती है, लिख भी लेना। सॉल्वेशन ज्यादा ए का, तो सॉल्युबिलिटी भी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ए की बी से ज्यादा। चलो देखो, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन देख रहे हैं। दूसरा बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है इसमें वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा अप्रोच करेगा या किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, ये बताना है आपको। पहला ये है, दूसरा सब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH2OH और सी पार्ट है CH3, मैक्सिमम सॉल्वेशन किसका होगा, मैक्सिमम सॉल्वेशन किसका होगा, ABC, थर्ड बिल्कुल सही है, मैक्सिमम सॉल्वेशन सी का। सॉल्युबिलिटी सी की ए और बी के कंपैरिजन में इनफाइनाइट होती है वाटर में, है ना, ऐसा लगता नहीं है लेकिन पर होती है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वाटर में सी की होती है, कंपैरिजन करते हैं तो सी की इनफाइनाइट लिखी है किताबों में, इनके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा होती है, वही सेम कॉम्पैक्ट साइज वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच करते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पूछता तब ए का बताते हैं, सरफेस एरिया से देखते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सरफेस एरिया देखा जाएगा। लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी, जितना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अप्रोच करेंगे जितना सॉल्वेशन ज्यादा होगा, तो लिख लो मैक्सिमम क्या होगा, सी, सी का सॉल्वेशन ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी में ज्यादा होगी,